सब्सक्राइब कीजिए टेक उर्दू एडवाइस यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके मोबाइल में जितने भी फ़ोन नंबर हैं उनको जीमेल की आईडी में सेव करने के बारे में बताऊँगा। दोस्तों ये वीडियो में आपको पूरा तरीका बता दूँगा कि आपके मोबाइल में या सिम में जितने भी नंबर हैं आप उनको लाइफ टाइम के लिए किस तरह जीमेल की आईडी में सेव कर सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं टेक उर्दू एडवाइस यूट्यूब चैनल। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बता देता हूं कि आपको अपने फ़ोन नंबर जीमेल में सेव करने का क्या फ़ायदे होंगे। इसका सबसे पहला फ़ायदा दोस्तों आपको ये होगा कि आप अपने कॉन्टैक्ट को किसी भी मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है या कहीं गिर जाता है जिसकी वजह से आपके नंबर ज़ाया हो जाते हैं, तो आप अपने जीमेल आईडी से उन तमाम नंबर को सेव कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं कि आगे इनके इनको किस तरह हमने जीमेल आईडी में सेव करना है। दोस्तों इसके लिए आपने करना कि आपने मोबाइल की चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखा होगा अकाउंट, अकाउंट पे क्लिक करना है आपने। और अपना अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपने गूगल पे क्लिक करना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद आप देख लें कि आपके कौन सा गूगल अकाउंट ऐड है। अगर यही ऐड आप करना चाहते हैं तो यही रहने दें जो आपने ऑलरेडी ऐड किया हो। अगर न्यू करना हो तो आप यहाँ से न्यू गूगल अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। बैक जाना आपने और नीचे ये देख सकते हैं आप लिखा होगा ऐड अ अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपने गूगल पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक, एक्साइटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे आप नया गूगल अकाउंट दे सकते हैं जिसमें आपने अपने नंबर कॉपी करने हैं। उसके बाद आपने आ जाना है दोस्तों बैक। अब आपने चले जाना अपने कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट ओपन करें। कॉन्टैक्ट ओपन करने के बाद आपने करना क्या, ऑप्शन में चले जाना है। फिर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ गए हैं, फ़ोन डिवाइस, इसके बाद सिम, सिम टू एक्सपोर्ट। यहाँ पे आपने जो फ़ोन वाले नंबर कह रहे हैं कि फ़ोन वाले नंबर आपने करने हैं कि अपनी सिम वाले, यहाँ पे आप मैं कर ले सिलेक्ट कर लेता हूँ इंपोर्ट टू सिम कार्ड, इस पर क्लिक करना है। फिर ऑप्शन आ जाएगा फ़ोन डिवाइस कि आप सिम अपनी सिम के नंबर फ़ोन में कॉपी करना चाह रहे हैं कि जीमेल में। आपने यहां से जीमेल सेलेक्ट कर लेनी है अपनी आईडी, और जो नंबर आपने कॉपी करने हैं वो सारे आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। मैं सबसे ऊपर टिक करता हूं और ये सारे नंबर मेरे आप देख सकते हैं गुड लग गया, सेलेक्ट हो गए हैं। और ये ऊपर लिखा हुआ है डन, आपने डन पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि मेरे नंबर जीमेल में अभी सेव हो रहे हैं। ये सारे नंबर जैसे ही सेव हो जाएंगे तो ये ऑप्शन यहाँ से सामने से चला जाएगा। इस तरह दोस्तों आप अपने जीमेल के तमाम अपने तमाम मोबाइल के नंबर जीमेल में कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए मेरे दोस्तों नंबर कॉपी हो गए हैं। दोस्तों इस तरह आपके तमाम कॉन्टैक्ट नंबर जितने भी होंगे वो सारे जीमेल में कॉपी हो जाएंगे। जितने भी आपके नंबर थे वो तमाम जीमेल में चले गए हैं। इस तरह आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, कहीं गिर जाता है या आपकी सिम में कोई प्रॉब्लम बन जाती है जिसके वजह से आपके नंबर ज़ाया होने का आपको प्रॉब्लम रहती है, नंबर आपके ज़ाया हो सकते हैं, अगर आप अपने नंबर इस तरीके से जीमेल आईडी में कॉपी कर लें तो आप जब चाहें अपने नंबर्स को निकाल सकते हैं। ये दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी अगर आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको ये नंबर जीमेल में कॉपी करने का नहीं पता। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं टेक उर्दू एडवाइस। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पे क्लिक करें और साथ ही बेल के निशान पे। इस तरह मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी।
अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कोई न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखिए।